राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को मोटर दुर्घटना बीमा कंपनी के सहयोग से सड़क सुरक्षा में मोटर वाहन बीमा विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि बीमा करवाते समय वाहन स्वामी बीमा कंपनी के नियम और शर्तों को नहीं जानता, जिसको जानने के लिए यह कार्यशाला बीमा कंपनी के कार्यालय पर आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि दो पहिया तथा चार पहिया वाहन स्वामी बिना बीमा कराए वाहन ना चलाएं तथा ऐसा ना करने वाले वाहन किसी वाहन को टक्कर मार देते हैं और उनके वाहन का बीमा नहीं है तो सीधा नुकसान वाहन स्वामी का होता है और वाहन स्वामी उसके क्लेम की राशि को भरेगा। उन्होंने बताया कि अगर वाहन स्वामी ने बीमा कराया है तो क्लेम की राशि बीमा कंपनी भरेगी, जिसकी जागरूकता के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम SP श्रीवास्तव, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीमा कंपनी के सहायक प्रबंधक अपूर्व हर्ष बंधर तथा संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, कि हम सभी जो उपस्थित हैं यहाँ पे और डेफिनेटली इस कार्यशाला का जो प्रचार प्रसार होगा एवं इसमें जो बातें बताई जाएंगी बीमा के ऊपर वो निश्चय रूप से आम जनता के लिए बहुत उपयोगी होंगी, भी हो रही हैं। इवन हम लोग काफ़ी सचेत रहते हैं इसको लेकर के, लेकिन फिर भी चाहे अनजाने में कुछ ना कुछ घटनाएं हो ही जाती हैं, तो इनको सही रखने के लिए या इन दुर्घटनाओं से बचते हुए अपने को आर्थिक क्षति ना ज़्यादा पहुँचे, इसके संदर्भ में बीमा कंपनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज की कार्यशाला वस्तुतः इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही है। हम लोग परिवहन विभाग पूरा एक महीने से विभिन्न वर्गों के बीच में जाके सड़क सुरक्षा के नियमों को बता रहा है। आज शायद हम पहले ऐसे कार्यशाला में उपस्थित हैं जहाँ के नियम कानून से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं। हम क्या मुझे लगता है जनता भी वाकिफ नहीं है और यहाँ की हर जनता के पास एक या दो गाड़ियाँ जरूर हैं। टू व्हीलर तो अपने ऑफिस में बैठते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे आपने इसे हर्षवर्धन जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, दो तीन चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई कि जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग की हर गाड़ियाँ जैसे कमर्शियल है या हम लोग की प्राइवेट हैं उस पर हमारा ड्राइवर रहता है ऑथराइज, अगर उसको कुछ बाय द वे हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो जो आपने लॉ बताया है मुझे उसके तहत कंपनी उसको बीमा देती है, ये चीज़ें हमको नहीं पता। तो मैं ये आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध करूँगी, एक तो आप लोग अपने पदनाम के साथ जो नाम को हमें दे दीजिए अभी लिख के, और जो कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो आपने मुझे बताया है वो भी लिख के दे दीजिए, ताकि हम इसको कल प्रेस विज्ञप्ति में बढ़िया से निकलवा दें कि आम जनता को भी ये लाभ हो कि दो तीन जो रूल्स हैं हमें भी नहीं पता है, जनता को भी नहीं पता होती हैं। तो हमारे इस कार्यशाला का मकसद यही है कि हम हर नियम कानून से उनको वाकिफ कराएं। पहली क्वेरी है कि जब आदमी आता है हम लोग के पास तो नई गाड़ियां जैसे खरीदा उसने, ऐसे करके जो इंश्योरेंस है वो डायरेक्टली हमारी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, हमारे विभाग से रिलेटेड नहीं है, ये वाहन स्वामी का पर्सनल निजी मामला होता है कि वो बीमा किस कंपनी से कराता है। आजकल प्राइवेट कंपनी भी आ रही हैं, आजकल गवर्नमेंट वाली भी कंपनी हैं, मोस्टली उस शोरूम पे जो इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है, क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया मुझे ऑनलाइन आदमी कपड़े खरीद रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद रहा है, ऑनलाइन सारे फॉर्म भर रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। अभी कल ही मैं एक ऐड देख रही थी पॉलिसी बाजार.com। मोस्टली क्या होता है कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, हम लोग का इतना टिपिकल टाइम चल रहा है, तो किसी के पास टाइम नहीं है। अब अवॉइड भी कर रहा है आदमी कि हम पर्सनली किसी को बुलाएं अपने घर में या हम आपके ऑफिस में आके इंश्योरेंस कराएं, तो ऑनलाइन सेलेक्ट किया और उसने वहाँ पे कराना शुरू कर दिया। एक तो सबसे पहली बात कि कंपैरिजन हो जाता है कौन सी कंपनी कितने में बीमा कर रही है। हर आदमी कम पैसे में चाहता है कि बीमा हो जाए और हमारा फर्स्ट पार्टी ही हो जाए तो अच्छा है, उस पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कंडीशंस वहाँ भी डिक्लेयर्ड नहीं होती हैं, जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम हो जाती है,
वो प्रॉब्लम हमको तो तब हम फेस करेंगे ना जब हमारे साथ कुछ हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता इन सब चीजों पे कि अगर हम हमारे अगर यार गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो क्या कह रहे हैं, पिछले कंपनी से जिससे कराया उसी से तुरंत करा दो। हम अफोर्ड नहीं करते ये जानने के लिए कौन सी कंपनी हमें बेनिफिट कर रही है, क्या आप लोगों की पॉलिसीज हैं। तो कुछ आप लोग को भी आगे आना है, अपनी नए स्कीम्स जो होती हैं उसको आप पेपर में निकलवाइए, थोड़ा सा आप प्रचार प्रसार कराइए और हम लोग के साथ थोड़ा जोड़ के नियम कानून की जानकारी हमको भी दीजिए, ताकि जब जनता जब हमारे क्योंकि जनता से हम लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और सारी गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है जिससे हम लोग आंसरेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम बहुत डीपली नहीं जानते हैं सब चीज़ों को। तो आज यहाँ पे आके मुझे आपने एक दो चीज़ें जो बताई मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार ये तो हम लोग भी करा सकते हैं क्योंकि हम लोग रोज़ इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। ड्राइवर वाला सबसे मेन चीज़ होता है, रिस्क तो है ही, ड्राइवर चला रहा है और गाड़ी कुछ हो जाता है तो हम लोग ही बेयर करते हैं चीज़ें, मोस्टली हम ही लोग बेयर करते हैं। वी डोंट नो कि कंपनी की कोई ऐसा आपके यहाँ धारा है कि अगर वो हम उसमें इन्वॉल्व करा दें तो हम कंपनी बेयर करेगी उस चीज़ को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगा आज इसमें थोड़ा ये जो थर्ड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट लोगों के मन में क्लियर ये है कि वो बहुत कम पैसे में हो जाता है, उसके बाद में जो विस्तार है जो उसका वो है वो हमें नहीं समझ में आता है। वो आदमी ठीक है जल्दी जल्दी में कराना या थर्ड पार्टी लोग 500 रुपये में हो रहा है 500 रुपये में करा लो, बाद में जब कोई प्रॉब्लम है वो फेस करता है तब उसे लगता है यार हमें फर्स्ट पार्टी कराना चाहिए, वो भी क्लियर नहीं रहती वो चीज़ें हमारे पास। तो मैं आज आपसे आपके बीच में सड़क सुरक्षा के नियमों को बताने से ज़्यादा आपसे नियम जानने आए थे कि हमको बीमा कंपनी के नियम के बारे में बताइए। सड़क सुरक्षा के नियम तो आप लोग को भी बहुत बेहतर पता है, आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, सबके पास टू व्हीलर्स हैं। हम लोग सिर्फ अब क्या जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो हमें खुद पैसा ना लगाना पड़े इसी डर से हम बीमा कराते हैं, और कोई वजह नहीं होती है कि इंश्योर्ड होनी चाहिए क्या। सेम हमारे परिवहन विभाग के साथ भी यही है, हमारा चालान ना हो जाए हमारी गाड़ी बंद ना हो जाए इसलिए हम टू व्हीलर पर हेलमेट लगाएंगे, देखेंगे पुलिस वाला है तो हम सीट बेल्ट भी लगा लेंगे। ये सेफ्टी किसके लिए करते हैं और हम क्यों जगह जगह जाके इन नियमों को बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका जीवन है, आपकी सेफ्टी के लिए हम आगे आ रहे हैं, आपको भी एक कदम आगे बढ़कर अपनी सेफ्टी सिक्योर्ड करनी होगी। जिस जो जिंदा है आदमी जिसका लाइसेंस आ रहा है ऑनलाइन दिखा रहा है वो कह रहा सर अगर आप करेंगे तो हम टेस्ट कर देंगे आप लोग के ऊपर। मैं अपूर्व हर्षवर्धन सहायक प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडल कार्यालय गोरखपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आरटीओ महोदय द्वारा यहाँ हमारे मंडल कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे अभिकर्ता आम जनता एवं विभागीय लोग उपस्थित रहे हैं और इस कार्यशाला से बेनिफिट ये हुआ है, लाभ यह मिला है हमें कि हमें काफ़ी नॉलेज आपस में हमने शेयर की है और विभिन्न पक्षों पर हमने बात करी है, बीमा की आवश्यकता क्यों है, बीमा नहीं कराने पर जो सरकार द्वारा तय किए गए पेनल्टीज़ हैं उनके बारे में व्यापक चर्चा हुई है, तथा बीमा नहीं कराने पर व्यक्तिगत क्या समस्याएं आती हैं वाहन स्वामी को इसके बारे में चर्चा की गई है और यह चर्चा बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा लाभदायी है और इसका प्रचार प्रसार हमने मिलकर तय किया है कि आम जनता में करेंगे जिससे सभी को लाभ होगा। परिवहन विभाग वाहनों से संबंधित विभाग है, यहाँ पे जो वाहन स्वामी हैं वो हमारे विभाग से साथ साथ उनके पास वाहन होती है और वाहन की बीमा कराने के लिए वो बीमा कंपनी में ज़रूर जाता है। वाहन स्वामी किस बीमा कंपनी से बीमा कराए ये उसका व्यक्तिगत सोच होती है, व्यक्तिगत उसकी चॉइस होती है, बट हर बीमा कंपनी के अपने अपने नियम और शर्तें होती हैं, उन नियमों और शर्तों से बहुत ज़्यादा वाकिफ न विभाग होता है और न ही वाहन स्वामी होता है।
आज का कार्यक्रम इसी प्रयास का एक कदम है कि हम ये चाह रहे थे कि बीमा कंपनी के क्या नियम और कानून हैं जिससे जनता भी बेनिफिट हो और हमारा विभाग भी बेनिफिटेड हो, तो उसी नियम कानून को जानने के लिए हम आज यूनाइटेड इंडिया कंपनी पे हम लोग पूरा विभाग उपस्थित हुआ है और उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की किस तरह से गाड़ी का, नई गाड़ी का बीमा हो सकता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों का बीमा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स जनता झेलती है बीमा अगर नहीं होता है और रजिस्ट्रेशन कराने अगर आती है, ट्रांसफ़र कराने आती है गाड़ी, तो इन सब समस्याओं को लेकर आज हमने इनसे बहुत विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया है हम लोगों ने और उसमें बहुत अच्छी नॉलेज भी हम लोगों को मिली है, बहुत अच्छी जानकारियाँ भी मिली हैं और इसको हम ज़रूर जनता तक पहुँचाएँगे और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा है, सफल कार्यक्रम रहा है हमारा।